गांडू गुड मॉर्निंग गांडू। अरे तुम्हें कह रहा हूँ सकल सी गांडू लगो दोनों। ऐसे कह रहा हूँ गांडू। तुम दोनों कह रहे होंगे गांडू। तुम तीनों गांडू हो। आप तीनों बताओ आईआईटी में पढ़ने वाले क्या क्या लाते हैं। आईआईटी बस बस यही तो बस यही तो सर बता तो जाओ। बस यही तो आईआईटी में पढ़ने वाला आईआईटीयन हुआ तो गांडू क्लासेस में पढ़ने वाला बच्चा बच्चा गांडू हुआ। आप भी गांडू हो। फीस पहले ले लूंगा। तो बच्चों सुन लो ये 30 दिन का कोर्स है। अगर 28-25 दिन में जिसने किया वो बच्चा गंडी कहलाया। अरे बच्चों मेरी बात तो सुनो बैठो। अरे सर गंडी बनने थोड़ी आए हैं पढ़ाई करने आए हैं। अरे मेरे बेटे गंडी मत बनो। आप 30 दिन में पूरे सेट करो लोंडिया। जल्दी मत करो गंडी नहीं कहूंगा। ये तो एक श्रद्धा है इस कोचिंग सेंटर की जो टॉप मारता है। सर ये आपने कोचिंग क्लासेस का नाम गांडू ही क्यों रखा सर। बहुत असली नाम लग रही है। मुझे पता था तू जरूर पूछेगा। सकल से ही भाड़ू लग रहा था तू मुझे। तेरी माँ का साले फीस में ऐड कर लिए 250 रुपए कुर्सी के। तो बच्चों मैं आपको बता दूं यहाँ पे जी जो है गर्लफ्रेंड के लिए स्टैंड करता है। ए जो करता है आपके लिए इसी प्रकार। एन नहीं के लिए और डी डीयू के लिए नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी दूर। तो इससे हम बनाते हैं गर्लफ्रेंड अब नहीं दूर किसी की भी। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। लड़की अगर भीड़ वाले इलाके में है या राजीव चौक मेट्रो स्टेशन तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। नहीं क्वेश्चन बाकी भी शानदार है। मैं आपको दोनों फॉर्मूले देता हूँ। भीड़ में जो लगेगा B=4AC और जो राजीव चौक का आप पूछ रहे हैं उसमें 2 से गुणा कर दो भीड़ की। बस 4AC। यहाँ पे आपका सी जो है भीड़ है। ए जो है आपका सब्जेक्ट है। फीस पूरी ले लूंगा बेटे। भीड़ की यहाँ पे 2 से गुणा इसलिए की गई क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होती है राजीव चौक पे। सर अगर लड़की की सैंडल की बद्दी टूटी हुई है तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। बेटे पहले बद्दी लगेगी फॉर्मूला बाद में लगेगा। और सर अगर लड़की अपने भाई के साथ हो तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला तो कोई ना लगेगा पर रैप्टा बड़ी भर के लगेगा। तो बेटे इसमें 7 चैप्टर होंगे। 1 महीने में आपके 7 के 7 आपको करने पड़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ लोंडिया, वेलोसिटी ऑफ लोंडिया, बाजार में लोंडिया, मॉल में लोंडिया। और फीस पूरी ले लूंगा महीने से पहले। तो बेटे ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा इसमें ये होगा शादी ब्याह में लोंडिया। पूरा उतारने दियो अभी। सर मैं कुछ कहना चाहता। हाँ बेटे बताओ। सर मैं बाजार में लोंडिया नहीं छेड़ूंगा। सर तेरे बाप को कॉल लगाऊं। तू तो कोचिंग तो पाया। अंकल जल्दी से स्कूल पा जाओ। बहुत ही कमजोर बच्चा तुम्हारे पढ़ाई में। जी मास्टर साहब बताइए क्या बात थी। अरे अंकल आपका लड़का साफ मना कर रहा है बाजार में लड़की छेड़ने को। कल कला को ये फेल हो जाएगा। मेरे कोचिंग का नाम बदनाम होगा। गांडू का नाम बदनाम होगा। चुबे लोंडे छेड़ने को मना कर रही है बाजार में। पापा मैंने छेड़ूंगा। पिछली बार बहुत पिटा बाजार में। अपने बाप का नाम ऐसी बदनाम करेगा तू। बाबा मैं दूसरा चैप्टर पढ़ लूंगा ये ना पढ़ूंगा बाजार वाला। अरे अंकल यही तो इम्पोर्टेंट है बाजार वाला। इसमें से 4 नंबर का अलग ही रखा। मुझे ये बता दो ये लड़का अगर लड़कियां छेड़ेगा दबा के तो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा। फीस पूरी ले लूंगा तो वरना इसे ले जाओ यहाँ से। मैं नहीं पढ़ाऊंगा इसे। क्यों बे क्या दिक्कत आ रही है। लोंडिया क्यों ना छेड़ेगा। पापा मैं शादियों में लोंडिया छेड़ लूंगा बाजार में बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा। तू तो तेरा बाप भी छेड़ेगा। नाम बदनाम करा दे हमारा तो तू मार्केट में। बदनाम तो अंकल आप हो गए। और आगे भी भविष्य में अगर ये लड़की नहीं छेड़ता है तो इसके जिम्मेदार आप होंगे गांडू नहीं। अब इससे पूछ लो ये यहाँ पे पड़ेगा तो लड़की बाजार में भी छेड़ेगा। पूछो इससे। क्यों बे लास्ट बार पूछ रही हूँ छेड़ेगा या नहीं छेड़ेगा। पापा बाजार में तो जरा भी ना छेड़ूंगा मैं। हाथ बहुत धो लिया आज नहाई लू चल। अरे टोनी कसला था हम दस रहे वाजू।